हमारे बॉलीवुड में कई स्टार आते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं और आजमा कर चले जाते हैं। कुछ तो इसमें सुपर हिट हो जाते हैं और कुछ एक या दो फिल्म करने के बाद ही फ्लॉप हो जाते हैं। हमारे बॉलीवुड में स्टारडम पाना हुनर के साथ साथ किस्मत पर भी निर्भर करता है। इस इंडस्ट्री में जहां एक फिल्म चल जाए तो रातों रात स्टार बन जाता है, तो वहीं अगर लगातार एक के बाद एक दो से तीन फिल्में फ्लॉप हो जाएं तो आप अर्श से फर्श पर आ जाते हैं। इनमें से एक नाम आता है अनु अग्रवाल का, जो कि अपने जमाने में काफी फेमस हुई थी। बीते कल में जिनकी कामयाबी के चर्चे थे, लेकिन अब तो लोग उन्हें भूल ही गए हैं। आशिकी फिल्म से इन्होंने खूब कामयाबी हासिल की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब ये आशिकी गर्ल कहाँ है और कैसी दिखती है? तो आइए जानते हैं अनु अग्रवाल के बारे में। एक समय था जब लोगों की जुबान पर सिर्फ अनु अग्रवाल का ही नाम होता था और सभी लोग इनकी फिल्म आशिकी के गीतों के दीवाने हो गए थे। लेकिन तभी अचानक से कहीं से एक हादसा आया और उनको मौत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन उनकी किस्मत की डायरी में जिंदगी ने मौत को बेरंग लौटा दिया और इस हादसे के बाद जब वो उससे उबर कर लौटी तो कुछ और ही होकर। दर्दनाक सड़क हादसे में अनु की यादाश्त चली गई थी। वो कई दिनों तक कोमा में रही। उसके बाद जब उन्हें होश आया तो वो चल नहीं सकती थी। अनु को इस हादसे से निकलने में लगभग 3 साल का समय लग गया। वही अनु जिनसे हम तकरीबन 2 दशक पहले मिले थे वाया महेश भट्ट फिल्म आशिकी में। अनु अभिनीत आशिकी के गानों की लोकप्रियता के चर्चे आज 2 दशक बाद भी हैं। इन गानों के साथ राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की तस्वीर भी जब तब टेलीविजन के सामने से गुजर जाती है। राहुल बिग बॉस जैसे कार्यक्रम में आए और फिल्मों में नहीं, फिल्मी पार्टियों में नजर आते रहते हैं, लेकिन अनु कहीं नहीं दिखती। आपको बता दें कि अनु का जन्म 11 जनवरी 1969 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी और 1990 में महेश भट्ट ने अपनी संगीतमय फिल्म आशिकी में पहला ब्रेक दिया। ये महज 21 साल की उम्र में अभिनय के क्षेत्र में कदम रखने वाली अनु अपने बेहतरीन अभिनय और मासूम चेहरे के बूते दर्शकों की पसंदीदा अदाकाराओं में शामिल हो गयी थी। अनु को ये जिंदगी मौत से जूझकर हासिल हुई है और वो मुंबई में अकेली रहती हैं और बच्चों को योगा सिखाती हैं और खुद के सवालों के जवाब तलाशते हुए एक किताब लिख रही थी जो अब पूरी हो चुकी है। पर्दे से उनकी विरक्ति की वजह उसकी चकाचांद के पीछे का स्याह अंधेरा है और मीडिया से दूरी का कारण उसमें बेबुनियादी गढ़ी जाने वाली खबरें। अनु 48 साल की हो चुकी हैं। उन्होंने अब तक शादी भी नहीं की है। वे अकेले अपना जीवन गुजार रही हैं। फिल्मी दुनिया से भी उनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। आज अगर आप उन्हें देखेंगे तो शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर कुछ फोटोज भी शेयर किए हैं। वे सोशल अकाउंट पर कम ही एक्टिव रहती हैं। बॉलीवुड की ऐसी खबरें, फिल्मी गलियारों की ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।